मैंने अपने हिंदुस्तान की राजनीति में 20-25 साल दिए, जिसमें से 20 साल कांग्रेस में रही। और मैंने जब कांग्रेस को छोड़ा उस समय भाजपा 32वें पहुंच चुकी थी, कांग्रेस 8 पर थी, आम आदमी पार्टी 28 पर थी। जब मुकाबला दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहा, तब भी आप देखिए लोगों ने भाजपा को दिल्ली में सरकार बनाने से 15 साल रोके रखा। अब भी लोग विकल्प तलाश कर रहे थे कि भाजपा को रोकना है, तो अरविंद केजरीवाल एक विकल्प बनकर आए, जिसको मैंने भी साथ हम लोगों ने दिया और दिल्ली में भाजपा को रोकने में हम कामयाब। अब बात देश की है, तो मैं देश में देख रही हूं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद जीतने के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी जी भी एक नेता के तौर पर आपने देखा चेन्नई में जिस तरह से महिलाओं से, छात्राओं से बात कर रहे हैं, एक अच्छा उनका कैंपेन, और जिस तरह से मुद्दों को वो उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, आतंकवाद के मुद्दे हो, राफाल से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तो उसमें काफी जो है वो सक्रिय जिस तरह से दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक है, मुझे लग रहा है कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन आने वाले चुनावों में कर सकती है, और उसे ताकत देने के लिए मुझे लगता है कि अब हम लोगों को आगे आना चाहिए। आप कांग्रेस में शामिल हो रही हैं कि नहीं? देखिए, कांग्रेस फैसला करेगी। अगर मुझे उनके घर आना है या आपके घर भी जाना, ये फैसला आप करेंगे कि मैं आप मुझे स्वीकार करेंगे नहीं। बिन बुलाए मेहमान का तो कहीं भी स्वागत नहीं होता। अगर प्रस्ताव आता है कांग्रेस की तरफ से तो क्या अलका लांबा जाएंगे? मेरे लिए ये बहुत बड़ी, अपने लिए मैं कहूंगी, मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी, क्योंकि मैंने 20 साल कांग्रेस में दिए हैं। आज भी अंदर से पूरी तरह गांधीवादी विचारधारा से मैं संबंध रखती हूं, और पूरी तरह भाजपा की विचारधारा के खिलाफ मेरा पिछले 25 साल का संघर्ष रहा है। मुझे खुशी मिलेगी कि मैं भाजपा को रोकने के लिए अगर एक ताकत बनकर काम कर सकूंगी तो। वी विल ऑलवेज वेलकम हर बिकॉज़ शी इज अदरवाइज आल्सो अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस फैमिली। शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द एनएसयूआई। नो, देयर आर मेनी पीपल हु लेफ्ट द पार्टी एट ऑन डिफरेंट ओकेजंस। व्हेन दे कम बैक, वी ऑलवेज वेलकम देम।